हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई तोमर टेक्नो में। दोस्त को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटे एग्जाम पेपर 2023 के बारे में। हम सीटे के प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो 75 आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि CITS एडमिशन 2023 का जो फॉर्म है वो आपके यहाँ पर आउट हो चुका है, एंड मैंने उसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। यदि किसी स्टूडेंट ने या किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसका जो एडमिशन डेट कब रखा गया है एंड एग्ज़ाम डेट आपके यहाँ पर कब होने वाला है, एंड अभी उसका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो आज की इस वीडियो में हम CITI का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर होता है उसका जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि उसका जो लेवल रहता है वो क्या रहता है एंड कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड वीडियो में अंत तक बने रहेगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल आईटी तोमर टेक्नो को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर फिटर ट्रेड से पूछे गए थे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर दिया गया है नट के किनारों पर वॉशर को मोड़कर लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किस वाशर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टैप वाशर का प्रयोग हम नटों को लॉकिंग करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेंच वाइज को अत्यधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग यहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, स्पिंडल यहाँ पर राइट होने वाला है। यदि हम वेंच वाइज को अत्यधिक कसेंगे तो हमारा जो स्पिंडल होता है उसका जो थ्रेड होता है वह घिस जाएगा। यदि स्पिंडल का थ्रेड हमारा घिस जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो बेंचवाइज का जो मूवेबल जा होता है वह ना आगे या पीछे यहाँ पर मूव नहीं करता है। तो हमको यहाँ पर बेंचवाइज का जो स्पिंडल होता है वह अत्यधिक नहीं कसना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है टेम्परिक कार्यस्थान तापमानों पर की जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परिंग जो की जाती है वह क्रांतिक बिंदु से नीचे की जाती है। यहाँ पर बिलो क्रिटिकल पॉइंट से नीचे हम यहाँ पर टेम्परिंग यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फोर नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है स्पॉट प्रेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक औजार कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होने वाला है। स्पॉट प्रेसिंग के लिए जो हम टूल यूज करते हैं वह हम यहाँ पर फ्लाई कटर करते हैं। यदि हम बात करें रिमर की तो रिमर का जो प्रयोग किया जाता है किसी ड्रिल किए हॉल को फिनिश करने के लिए हम यहाँ पर रिमर का यूज करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है फाइव नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विविध उपयोगों के लिए उपलब्ध है, समलंबाकार धागे का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो पूछा गया है वो आपके यहाँ पर ट्रापेजोइडल जो थ्रेड होता है उसके बारे में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यदि हम बात करें ट्रापेजोइडल की तो ट्रापेजोइडल थ्रेड का जो प्रयोग किया जाता है वो संचारण के दौरान इंगेज एंड डिस इंगेज के लिए हम यहाँ पर ट्रापेजोइडल थ्रेड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिक्स नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है एक अनियमित आकार के वर्कपीस को लैथ पर घुमाया गया है, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधन का यहाँ पर उपयोग किया गया है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर फेस प्लेट होता है। फेस प्लेट के माध्यम से हम इरेगुलर जो वर्कपीस होते हैं उनको हम यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, एंड सेकंड कंडीशन में हम यहाँ पर जो लैथ मशीन का जो फोर्जा चक होता है उसको उल्टा फिट करके भी हम यहाँ पर कुछ जो इरेगुलर शेप होते हैं वो हम यहाँ पर लैथ मशीन पर टर्न करते हैं। लेकिन वहाँ पर जो किए जाते हैं वो ज़्यादा बड़े वर्कपीस नहीं होते हैं, यहाँ पर छोटे वर्कपीस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेवन नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है छोटे छोटे व्यास वाले हॉल छिद्र तथा छिद्रों के उबारों की स्क्रैपिंग के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, थ्री स्क्वायर स्क्रैपर जो होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पर छोटे व्यास वाले स्क्रैपिंग के लिए करते हैं। यदि हम बात करें हाफ राउंड स्क्रैपर की
तो इसका प्रयोग हम बियरिंग को स्क्रैपिंग करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरामिक की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक एब्रेसिव सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर है डायमंड का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड और सिरामिक जो होती है वो यहाँ पर काफ़ी हार्ड मेटल होता है, इस वजह से हम यहाँ पर टंगस्टन कार्बाइड से इस एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं यदि हम इसकी लैपिंग करते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर सॉफ्ट स्टील के लिए किया जाता है एंड नॉन फेरस मेटल के लिए हम यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर बोरान कार्बाइड की, तो बोरान कार्बाइड का यूज किया जाता है वो गेजों की लैपिंग के लिए किया जाता है। यदि बात करें हम यही सिलिकॉन जो कार्बाइड होता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर हार्ड स्टील एंड कास्ट आयरन के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया गया है ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन पर स्पिंडल पर किसके माध्यम से लगाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होता है वो आर्बर के माध्यम से हम यहाँ पर लगाते हैं। यदि हम बात करें ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट का प्रयोग मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई को किस अनुपात यहाँ पर बनाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, साइन थीटा का अनुपात बनाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पर इनकी लंबाई एंड ऊंचाई को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से टेपर रेशियो अनुपात का सही सूत्र क्या होता है। टेपर कोनासिटी से, यहाँ पर टेपर रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है के बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है रफनेस ग्रेड के आर एन मास से पूछा गया है। यहाँ पर है निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रफनेस ग्रेड N8 के आर ए मान का यहाँ पर संकेत करता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। यदि हम बात करें रफनेस के जो ग्रेड होते हैं वो हमारे N1 से N12 तक होते हैं। यदि हम बात करें N12 की, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर रफनेस ने सरफेस ग्रेड का जो आर ए मान होता है वो कैसे निकाला जाता है। हमारे जो होते हैं रफनेस आर ए मान जो होते हैं N1 से N12 तक होते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर N12 की, N12 का जो मान होता है वो आपका यहाँ पर 50 माइक्रोन होता है। तो हम इस 50 माइक्रोन को यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पर 25 आ जाता है, जो कि हमारा N11 का मान निकल कर आता है। एंड अगेन हम यहाँ पर 25 को 2 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं एंड उसके बाद जो हमारा मान निकलता है वह हमारा यहाँ पर N10 का मान निकलता है। इसको यदि हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 12.5 निकल कर आता है, तो यह हमारा N10 का मान होता है। यदि हम N12.5 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 6.3 निकलता है, जो कि हमारा N9 का मान होता है। तो हम यहाँ पर फिर 6.3 को डिवाइड करते हैं 2 से, फिर डिवाइड करेंगे, यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 3.2 निकलता है, जो कि हमारा N8 का मान निकलता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में भी पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि रफनेस ग्रेड का जो आर ए मान होता है वो कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रिलिंग जिगों का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग जो जिग होते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। ड्रिलिंग रीमिंग टैपिंग एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए हम यहाँ पर ड्रिलिंग के जो जिग्स होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप वही मापी कैलिपर का
कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, कैलिपर की शुद्धता यहाँ पर क्या होगी। यहाँ पर पूछा गया है स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो एक्यूरेसी होती है वह 0.5 हमारी होती है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर होने वाला है। जितना हमारा जो नॉर्मल जो स्टील रूल होता है उसका लिस्ट काउंट होता है, उतनी एक्यूरेसी यहाँ पर इस कैलिपर की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है कीवेज ग्रुप तथा स्लॉट की कटिंग के लिए किस प्रकार के चीजल छेनी का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें यहाँ पर कीवेज ग्रुप या स्लॉट की, यहाँ पर जो चीजलिंग जो की जाती है उसके लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। यदि हम बात करें डायमंड पॉइंट चीजल की, तो डायमंड पॉइंट का जो प्रयोग जाता है वह भी वीक कॉर्नरों को यहाँ पर चीजलिंग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हाफ राउंड का जो होता है वह बियरिंग के लिए हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 16 नंबर का, क्या होगा यदि गेटवाल में स्पिंडल थ्रेड यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो जाए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। स्पिंडल के मुड़ने से वाल्व का बंद होना खुलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 17 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन सा विकल्प कोल्ड चिजल का एक प्रकार नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जो कोल्ड चिजल का जो विकल्प नहीं है वो आपके यहाँ पर राउंड जो चिजल होता है वह कोल्ड चिजल के अंतर्गत नहीं आता है, कोल्ड चिजल में नहीं बनता है। बाकी जितना भी जो होता है फ्लैट हो गया, क्रॉस कट हो गया, अपराउंड जो चिजल होती है वो हमारे यहाँ पर कोल्ड चिजल का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण मापने के लिए किया जाता है रिफरेंस सरफेस के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त करता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर स्टॉक जो होता है वह वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का वह भाग होता है जो रिफरेंस सरफेस बेस यहाँ पर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है टेल स्टॉक बैरल में एक आंतरिक टेपर होता है, बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर होता है। तो लैथ मशीन के जो यहाँ पर टेल स्टॉक में जो टेपर होता है वो आपके यहाँ पर मोर्स टेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है ब्लास्ट फर्नेस में आवेश को किसके माध्यम से यहाँ पर प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों हमारा जो थ्रोट होता है उसके माध्यम से हम यहाँ पर आवेश को ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर का, जेनी कैलिपर का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जेनी कैलिपर का जो प्रयोग किया जाता है वह हम यहाँ पर राउंड बार का सेंटर निकालने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यही यदि हम बात करें जेनी कैलिपर की, तो जेनी कैलिपर को हम यहाँ पर हर्मो प्रोडक्ट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है संचकित लोहे को आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है फोर सॉविंग कास्ट आयरन द कूलेंट। तो कास्ट आयरन यदि हम कटिंग करते हैं तो कास्ट आयरन को काटते समय हम किसी भी जो यहाँ पर कूलेंट होता है उसका उपयोग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ड्राई एयर का प्रयोग करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर केरोसिन की, तो केरोसिन का प्रयोग हम एल्यूमिनियम की हेक्साइन करते समय हम यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का, निम्न में से क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है। तो एक एपोक्सी नामक यहाँ पर एक होता है जो आपके यहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन एज इट इज़ परीक्षा में छपता है, सेम टू सेम यह क्वेश्चन परीक्षा में आता है, ऑप्शन भी चेंज नहीं होता है, इसलिए आपके लिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर का, हीट ट्रीटमेंट उष्मा उपचार प्रक्रिया में एनिलिंग धातु पर पानी चढ़ाना किसके लिए की जाती है। तो यदि दोस्तों हम बात करें एनिलिंग की, तो एनिलिंग का जो प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ पर स्टील को सॉफ्ट करने के लिए करते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर हार्डनेस की, तो हार्डनेस का जो प्रयोग किया जाता है वो हम यहाँ पर स्टील को हार्ड बनाते हैं जिससे कि वो हार्ड स्टील
अपने से कम हार्ड स्टील की यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटलनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है कौन सा एंगल कौन ट्विस्ट डील में रैक एंगल बनाता है। तो हेलिक्स जो एंगल होता है वो हमारा ट्विस्ट डील पर यहाँ पर रैक एंगल को प्रोड्यूस करता है, रैक एंगल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का, साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच का जो अंतर होता है वह क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर टॉलरेंस होता है, साइज की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच में जो अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिलिंग फिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। इसका आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कटर को पद स्थापित करने के लिए सेट मिलिंग फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले यहाँ पर असफल होता है। तो सोल्डिंग जो होता है वो तापमान में बढ़ोतरी होने पर सबसे पहले जो सोल्डिंग का जो जोड़ होता है वो खुल जाता है। तो ब्रेजिंग यहाँ पर सोल्डिंग से थोड़ी हार्ड होती है। सबसे जो यहाँ पर यदि हम बात करें परमानेंट की, तो वेल्डिंग जो होता है वो आपके यहाँ पर परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आता है। यदि हम वेल्डिंग के जोड़ को यहाँ पर तोड़ते हैं तो उसमें उस कंडीशन में हमारा जो पार्ट यहाँ पर ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर का, पेन हेड रिबेट किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो पेन हेड रिबेट होता है वो स्ट्रक्चरल वर्क जो होता है संरचनात्मक कार्य के लिए हम यहाँ पर पेन हेड चीजल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है यंत्र मापने वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण होने वाली एरर त्रुटि आपका यहाँ पर क्या कहलाती है। यदि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उसमें धूल आदि कण जो यहाँ पर लग जाते हैं उसकी जो त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरर यानी संपर्क त्रुटि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर लैपिंग का क्या उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लैपिंग का जो उद्देश्य होता है उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर लैपिंग एंड होनिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर का, स्ट्रेट सोल्डिंग पॉइंट के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर हैचिंग टाइप सोल्डिंग आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर का, निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग में प्लक्स का कार्य नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो फिलर धातु को पिघलाने से पहले हम वाष्पीकृत करना हमारा ब्रेज इसका प्लक्स का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वह हमारा एक ऑप्टिकल प्रोजेक्टर होता है जिसके माध्यम से हम बारीक जो फाइन थ्रेड होती है उसका हम यहाँ पर जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आघात वर्तनीयता धातु का वह गुण है जो खालिस्तान में निर्माण सहायक होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर मैलेबिलिटी की, तो मैलेबिलिटी का जो गुण होता है उस गुण के माध्यम से हम यहाँ पर धातु को प्लेट के रूप में यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर धातु को थीन शीट में हम यहाँ पर बना सकते हैं, प्लेट नहीं होगा, पतली शीट यानी थीन शीट के रूप में हम धातु को कन्वर्ट करते हैं। यदि हम बात करें वायर की, तो डक्टिलिटी के कारण हम यहाँ पर वायर को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 36 नंबर का, स्टील की टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है। स्टील की टेम्परिंग का जो उद्देश्य होता है वो कठोरता को और दृढ़ता को नियंत्रण करना होता है, भंगुरता को कम करना होता है, एंड यदि हम बात करें इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए होता है। ऑल ऑफ दिस एवो इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 37 का, वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तपन तथा शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उसको हम हीट ट्रीटमेंट कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से हम स्टील की जो आंतरिक संरचना में बदलाव हम यहाँ पर कर सकते हैं। जब हम स्टील को यहाँ पर गर्म करेंगे तो उसके जो आंतरिक स्ट्रक्चर जो होता है उसमें यहाँ पर चेंजेस होता है, जहाँ पर हमारा
जहाँ पर हमारा पियरलाइट प्राप्त होता है एंड हमारा यूटेक्टाइट स्टील प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर का, लाइफ सेंटर नोज का अंतर्विष्टित कोण क्या होता है। इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। यदि हम बात करें डेड सेंटर की, तो डेड सेंटर का जो एंगल होता है वो भी आपके यहाँ पर 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर का, साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर विकर्ण भुजा जो होती है वह यहाँ पर निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 40 नंबर का, लैथ मशीन में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को किस पर रखा जाता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, टेल स्टॉक पर हम यहाँ पर ड्रिल चक को रखेंगे। टेल स्टॉक पर हम ड्रिल चक को रख कर उस पर ड्रिल लगाएंगे एंड तभी हम यहाँ पर लैथ मशीन पर ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है साइन बार के उपयोग द्वारा कोण मापने के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा मध्य के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है। तो दोस्तों यह आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर साइन बार की लंबाई होती है। साइन बार के अनुसार हम यहाँ पर इसके अनुसार कोण को निरूपित यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है। तो प्रशियन जो ब्लू होता है वो सूखने में सबसे अधिक समय यहाँ पर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 43 का, बी ब्लॉक का अंतर्विष्टित कोण सदैव होता है। तो बी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो आपके यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो बी ब्लॉक जो होते हैं वो हमारे ग्रेड ए और ग्रेड बी में आते हैं। ग्रेड ए के जो बी ब्लॉक होते हैं वह ग्रेड बी की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर का, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्कपीस पर नहीं किया जाता है। यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लैथ मशीन पे जो सेंटर होता है, एक लाइफ सेंटर होता है, एक आपका यहाँ पर डेड सेंटर होता है। लाइफ सेंटर आपका यहाँ पर स्पिंडल में फिट होता है और डेड सेंटर हमारा टेलीस्टॉक पर फिट होता है। तो यदि हम सेंटरों के मध्य यहाँ पर जॉब को यहाँ पर फिट करते हैं तो उस कंडीशन में हम लैथ मशीन पर कौन सा वर्क नहीं करते हैं, यह यहाँ पर पूछने की कोशिश करता है। क्या नर्लिंग होता है, या आपका यहाँ पर प्लनिंग तथा अंडर कटिंग होता है, आपका थ्रेडिंग होता है, या पार्टिंग ऑफ होता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर पार्टिंग ऑफ होता है। पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन हम यहाँ पर लैथ मशीन पर सेंटरों के मध्य बंधे हुए जॉब पर नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ये तीन ऑपरेशन है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। यदि हम पार्टिंग ऑफ करेंगे और सेंटरों के मध्य यहाँ पर जॉब को बांधे रखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है एंड हमारा जो टूल होता है वह भी ब्रेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 45 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के एक अंश कितने वर्नियर डिवीजन में विभाजित होते हैं। तो आपका यहाँ पर 12 होगा। इसके जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो एक अंश होता है वो यहाँ पर 12 वर्नियर स्केल डिवीजन में विभाजित किए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 46 का, लेथ हेड स्टॉक कि स्पिंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टैपर कौन सा होता है। लैथ मशीन के स्पिंडल पर जो टैपर होता है वो आपके यहाँ पर मोर्स टैपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वालिटी कंट्रोल से यहाँ पर पूछा गया है। यदि हम बात करें यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर रेडियोग्राफी टेस्ट होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट रेडियोग्राफी टेस्ट होता है। मान ली यह हमारा पार्ट ए है एंड यह हमारा पार्ट बी है एंड इसके बीच में हम यहाँ पर वेल्डिंग लिंक कर देते हैं, तो इसका जो वेल्डिंग सीम होता है उसका यहाँ पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। रेडियोग्राफी यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। तो इसमें कुछ हमारा स्लैग इंक्लूशन होता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारा स्लैग अंदर चला जाता है
एंड यहाँ पर बैंडिंग करते समय यदि हम पार्ट के ऊपर या किसी और पार्ट को यहाँ पर गिराते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पर जो बैंडिंग सीम जो होता है, जो बैंडिंग किया हुआ जो पिलर मेटल होता है वह ब्रेक हो जाता है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर रेडियोग्राफिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 48 नंबर का, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के सामान्य संयोजन का अनुपात 18:4:1 होता है, इस अनुपात में 18:1 क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर 18:1 हमारा यहाँ पर टंगस्टन होता है एंड उसके बाद हमारा क्रोमियम एंड वैनेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर का, 1 मीटर खालिस्तान के बराबर होता है, 1 मीटर इक्वल टू, तो 1 मीटर जो हमारा होता है वह हमारा 1000 mm के बराबर हमारा 1 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है। यहाँ पर पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके यहाँ पर अपर डेविएशन राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 51 नंबर का, यदि संगठक की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह भाग होगा, तो यह जो भाग होगा वह हमारा एक्सेप्टेबल यानी हमारा स्वीकृत होगा। यहाँ पर पूछने की कोशिश की जा रही है यदि हम किसी इसी पार्ट को हम यहाँ पर किसी जॉब को बना रहे हैं, यदि वह उसकी जो डायमेंशन है उस सीमा के जो अंतर्गत आता है वह हमारा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, तो वह पार्ट हमारा एक्सेप्टेबल होता है, स्वीकृत साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 52 नंबर का, निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दस्तानों का उपयोग करना हमारा यहाँ पर दुर्घटना का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता है लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जाता है क्या कहलाती है? ऐसी जो जिग होती है वह हमारी एक चैनल जिग होती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। यदि बात करें अनबॉक्स जिग की, बॉक्स जिग का जो प्रयोग हम किया जाता है वह यहाँ पर अनेक कार्य क्रियाएं करने के लिए बॉक्स जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 52 नंबर का, फाइल का संकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसको हम यहाँ पर टैंक कहा जाता है, जो फाइल में जो फिट होता है, फेरूल जो होता है वो हमारा हैंडल पर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 55 नंबर का, यहाँ पर बेल्ट की सतह पर गिरनी लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क हो जाती है, इस कारण बेल्ट घिसने लगती है, बेल्ट के पिसलन को रोकने के लिए इसके भीतर पृष्ठ पर निम्न में से कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? यहाँ पर जो लगाया जाता है वह टेप्लॉन एंड रेजिन पाउडर लगाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो होता है वह एज इट इज छपता है, सेम टू सेम परीक्षा में यह क्वेश्चन पूरा ऐसे ही छपता है जैसे आता है, ऑप्शन भी यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 56 नंबर का, उच्च गति वाले क्षीण चक्र में किस प्रकार के बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर जो पूछा गया है उच्च गति के लिए, तो उच्च गति के लिए हम यहाँ पर रेजिनाइल बॉन्ड का प्रयोग किए जाते हैं, तो रेजिनाइल बॉन्ड को यहाँ पर बैकेलाइड बॉन्ड भी कहते हैं, जिसको यहाँ पर बी से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 57 नंबर का, आंतरिक थ्रेडों की जांच मापने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है? आंतरिक थ्रेडों को जो जांचने के लिए किया जाता है वो हमारा स्क्रू प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। यदि हम बात करें स्क्रू थ्रेड रिंग गेज की, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वह भारी थ्रेड को जाँच करने के लिए या चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग किसके लिए किया जाता है? तो नॉर्मलाइजिंग किया जाता है वो हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चर ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए रिफाइन करने के लिए यहाँ पर किया जाता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना क्या कहलाता है। तो ठोस विलयन को घुलने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना हमारा यहाँ पर फेराइट कहलाता है। यदि हम बात करें आस्टेनाइट की, आस्टेनाइट जो होता है वो हमको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर यहाँ पर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 60 नंबर का, थ्रेड छिद्र की टैब द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया जाता है कि धागे का क्रस्ट सिरा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है। इस थ्रेड के लिए निम्न में से कौन सा कारण उपयुक्त है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, छिद्र का आकार ट्रैप डिल के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो थ्रेड का जो क्रस्ट होगा वह नहीं बन पाएगा। यदि हमारा यहाँ पर जो हॉल है वो हॉल हमारा M10 का हॉल है। यहाँ पर जो जो टैप प्रयोग किया गया है वो आपका यहाँ पर M.9 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो उस कंडीशन में यह हॉल हमारा बड़ा है, तो उस कंडीशन में हॉल का जो थ्रेड का जो क्रस्ट होगा वो पूर्ण रूप से यहाँ पर निर्मित नहीं होगा, नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 61 नंबर का, जब शॉफ्ट को हो तो शॉफ्ट को जोड़ने के लिए किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जब कभी कभी यहाँ पर डिसकनेक्ट करना हो तथा शॉफ्ट को मूल भांति रूप से जोड़ना हो तो उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर इस शॉफ्ट का प्रयोग किया जाता है, इस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 62 का, ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम बात करें ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए, तो ड्रिल छिद्र को बड़ा करने के लिए बोरिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गैस कटिंग के दौरान नोजल होता है, तो गैस कटिंग के दौरान जो नोजल होता है वो हमारा वर्कपीस से 5 mm हम इसको दूरी पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा वर्कपीस है और यह हमारा जो पिलर रोड है, तो इसकी जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 5 mm होता है। यदि हम यह 5 mm का डिस्टेंस नहीं होता तो जो हमारा जो पिलर रोड होता है वो वर्क पीस पर हमारा चिपक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार पर खालिस्तान संलग्न रहती है। तो वर्नियर कैलिपर का जो डेप्थ बार होता है वह मूवेबल जा पर यहाँ पर रहती है, वर्नियर कैलिपर में डेप्थ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेथ का हेड स्टॉक में स्थित होता है। तो लेथ का जो हेड स्टॉक होता है वो यहाँ पर लेथ बेड के बाएं सिरे पर हमारा होता है। यदि हम बात करें टेल स्टॉक की, तो टेल स्टॉक हमारा दाएं सिरे पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ब्रोचिंग बर्मा द्वारा छेद करने की वह प्रक्रिया जिसमें, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, एक वर्कपीस को उपकरण के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है यदि हम ब्रोचिंग ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का अनुपात क्या होता है। इसका जो टेपर रेशो होता है वो 120 आपका यहाँ पर टेपर रेशो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फोर्ज में हुड ढक्कन का क्या कार्य होता है। फोर्ज में जो ढक्कन होता है उसका जो कार्य होता है उसका धुआं तथा धूल को बाहर ले जाने का कार्य होता है, जो फोर्जिंग का जो हुड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सोल्डिंग आयरन में प्लक्स का क्या कार्य होता है। सोल्डिंग आयरन में प्लक्स का जो कार्य होता है प्रिवेंट टू क्रोजन, क्रोजन को रोकना होता है, गीली सतह को यहाँ पर प्रमोट करना होता है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग हथौड़े का भार क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है मार्किंग हैमर से यहाँ पर पूछा गया है, मार्किंग के लिए हम यहाँ पर कितने भार का जो हैमर होता है वो प्रयोग किया जाता है। वह हमारा यहाँ पर 500 ग्राम का हम हैमर यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी
ग्राम का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इंजीनियरिंग हैमर पूछा गया है, यहाँ पर मार्किंग हैमर नहीं पूछा है। मार्किंग हैमर जो होता है उसका यहाँ पर 500 होता है, यहाँ पर इंजीनियरिंग मार्किंग हैमर पूछा गया है जिसका जो होता है वो आपके यहाँ पर 250 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पतली ट्यूब काटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक्सा ब्लेड होता है। यहाँ पर थिन शीट को काटने के लिए पूछा गया है, तो थिन शीट को काटने के लिए हम यहाँ पर 0.8 mm की हम यहाँ पर ब्लेड का प्रयोग करते हैं। यदि हम यहाँ पर कोर्स ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे कोर्स ब्लेड के जो दांते होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा कम होता है थिन शीट का, तो थिन शीट का जो क्रॉस सेक्शन कम होता है, थिन शीट का क्रॉस सेक्शन कम होता है। यदि हम बात करें कोर्स थ्रेड की, यदि हम कोर्स थ्रेड का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, कोर्स थ्रेड के जो दांते होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फाइन पिच का जो थ्रेड होता है वह थिन शीट या ट्यूब प्लेट को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 72 नंबर का, यहाँ पर दिया गया है लिमिटों तथा फिटों के भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत टॉलरेंस के 18 ग्रेड है, मूलभूत टॉलरेंस के ग्रेडों की परास क्या है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। टोटल हमारे 18 ग्रेड के यहाँ पर टॉलरेंस होते हैं। 18 ग्रेड में हमारा IT01 से IT16 तक होता है। और यदि हम बात करें यहाँ पर जो इसके जो एक्यूरेसी की बात करें, यदि हम बात करें IT01 की जो एक्यूरेसी होती है वह सबसे हाई होती है, IT16 की जो एक्यूरेसी होती है वह कम होती है। जैसे जैसे यहाँ पर टॉलरेंस का ग्रेड बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो इसकी जो परिशुद्धता होती है वह कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 73 नंबर का, अक्सर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज किसके बराबर होता है। यहाँ पर लेटरल ड्रिल सीरीज से पूछा गया है कि लेटरल ड्रिल साइज में सबसे लार्जेस्ट जो साइज होता है वह आपका यहाँ पर कितना होता है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 74 नंबर का, राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करना तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा होता है। तो यदि हम बात करें राउंड बार की, तो राउंड बार को होल्ड करने के लिए यहाँ पर बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। बी ब्लॉक का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री होता है। बी ब्लॉक यहाँ पर ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी, यह मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रवेशित होने की दूरी क्या कहलाती है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका ड्रिल की फीड होती है। यहाँ पर पूछा गया है स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण के द्वारा, यानी स्पिंडल प्रत्येक चक्कर में जितना घूमता है उस कंडीशन में जॉब के भीतर जो स्पिंडल होता है वह कितना आगे जाता है, तो उसको पूछा गया था, वो हमारी ड्रिल की फीड कहलाती है। आइए दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।